गाइस कैसे हो आप लोग। तो गाइस 3-4 महीने बाद मैं अपने इस चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ, और 3-4 महीने में क्यों नहीं डाल पाया था उसके पीछे रीज़न है बहुत बड़ा, और आपने टाइटल देख के तो पता कर ही लिया होगा कि क्या रीज़न होगा। तो दोस्तों देखो, मैं बताता हूँ आपको कि आप टाइटल देख के ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मेरी ये वीडियो देखने आए हो। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही बताऊँगा कि मेरा चैनल हैक हुआ था और मैं उसे कैसे वापस लाया हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो दोस्तों, काफी लोग हार मान चुके हैं, उनको नहीं पता कि चैनल वापस लाए तो लाए कैसे, मुझे भी नहीं पता था। बट मैंने काफी वीडियोस देखी यूट्यूब पे कैसे लाया जाए, तो वहाँ पे काफी चीजें बताई थी, बट उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। देन फिर मैंने खुद ही कोशिश करी, एंड फिर करीब 2 महीने बाद, हैकिंग के 2 महीने बाद मेरे को मेरा चैनल मिल गया। और अभी आप देखो मेरे को 99% मेरा चैनल मुझे मिल चुका है, 1-2% रह गया है, उसमें वो थोड़ा बैकएंड में काम कर रही है यूट्यूब। अभी भी आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो ना, अभी भी मेरे पास सिर्फ 99% आया है, 1% रह गया है, वो यूट्यूब अभी थोड़े दिनों में कर देगी। क्योंकि अभी देखो दोस्तों, मेरी बहुत सारी वीडियोज पर ना एड्स नहीं आ रही है, मोनेटाइजेशन ऑन है बट एड्स नहीं आ रही है, तो वो रिजोल्व हो रहा है। जैसे रिजोल्व हो जाए मेरी सारी वीडियोस पे एड्स आना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं चैनल लाया कैसे वापस, ठीक है, और हैक कैसे हुआ, इसके लिए भी मैंने अलग वीडियो बनाई है, आप वो चाहे तो देख सकते हो, यहाँ पे आ रहा होगा आई कार्ड, उस पर क्लिक करके, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो दोस्तों देखो, अब हम आते हैं कि मेरा चैनल वापस आया कैसे। तो दोस्तों देखो, जब मेरा चैनल हैक हुआ था ना, मेरे को मैसेज आया था कि कुछ ऐसा मैसेज था, मुझे ढंग से याद नहीं, कि आपका जो YouTube चैनल का एसेस है वो अब आपके पास नहीं है। तो मेरे होश उड़ गए थे, मतलब यार मैंने जैसे ही फ़ोन में देखा कि ये क्या हो रहा है, मेरा YouTube चैनल मेरे को नहीं मिल रहा, मैंने फटाफट अपना कंप्यूटर खोला, कंप्यूटर में देखा वहाँ से भी उड़ गया, मतलब मैं देख रहा यार ये दो मिनट लगे होंगे, बस 2 मिनट मेरा पूरा YouTube चैनल मेरे हाथ से चला गया, और मतलब लिटरली मैं रोने लग गया था, मैं काफ़ी रोने लग गया था, मतलब यार इतनी मेहनत करी थी, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा समझ नहीं आ रहा। 27,000 सब्सक्राइबर्स मैंने करे हैं इस पे जैसे तैसे करके, एंड चैनल चला गया, पूरी मेहनत है मेरी इस पे, अब क्या करूँ मैं हार मान गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, इस सबसे कॉन्टैक्ट करे कोई कुछ नहीं बता रहा था, बस ऐसे ही बोल रहे थे कि भाई नहीं आएगा, आ भी सकता है वगैरह वगैरह, कोई ढंग से राय नहीं दे रहा था। तो कुछ टाइम मैं भी परेशान रहा, फिर मैंने फाइनली सोचा कि YouTube को मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता हूँ। पर दोस्तों हम YouTube को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें कहाँ, क्योंकि आपके पास आपका चैनल नहीं है, अब आप अपने चैनल से उसको कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, तो अब हम YouTube को कॉन्टैक्ट करें कहाँ। तो दोस्तों देखो, अब मैं आपको यहाँ साइड में स्क्रीन चलेगी, ठीक है, मैंने कैसे YouTube को कॉन्टैक्ट करा और उन्होंने मेरे को कैसे हेल्प करी मेरे चैनल वापस लाने में, और कौन कौन से वो स्टेप्स थे जो मैंने फॉलो करे जिससे मेरा चैनल वापस मिला, वो आपको यहाँ पे सब पता चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले गया मैं ट्विटर पे, ठीक है, और दोस्तों देखो मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है, कोई फेक नहीं रहा, आपको भी पता है मेरा यार चैनल हैक हुआ है तो मैं क्यों फेंकूंगा, ठीक है, मैं आपको विद प्रूफ्स दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जरा अपना फ़ोन निकाल लेता हूँ, ये रहा मेरा फ़ोन, यहाँ पे मैं आपको साइड बाय साइड दिखाता रहता हूँ, ठीक है। तो मैं जरा अपना ट्विटर खोल लेता हूँ, ये रही मेरी प्रोफाइल, ये लिंक है यहाँ पे ट्विटर का मेरा, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर क्लिक करके जाके सारे मेरे ट्वीट्स पढ़ सकते हो जो मैंने YouTube को करे थे, ठीक है, जिसका YouTube ने मेरे को रिप्लाई भी दिया था। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको जाना है ट्विटर पे, ठीक है, जैसे आप ट्विटर पे चले गए आप उन्हें बताइए कि सर मेरा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक मैंने लिखा है यहाँ पे, माई यूट्यूब चैनल हैक एंड इट हैज़ बीन 2 months एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। ओ, ये मेरा जब का है जब वो मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप ट्विटर पे ट्वीट करोगे ना यूट्यूब को, तो बहुत मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको रिप्लाई ना मिले, तो आप एक ट्वीट करके रुकना मत, 2-3 दिन बाद दोबारा करो, ठीक है, अगर आपको रिस्पॉन्स मिल जाते हैं तो ठीक है, आप उनसे बातें करो, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको स्क्रीन पे चलता रहेगा, मैंने बहुत बातें करी इनसे, ठीक है, फिर ये आपको ट्वीट का जब बोल देना कि ठीक है हम आपको DM करेंगे, एक तरह पसीना आ रहा है क्योंकि ये रूम थोड़ा AC मेरा ख़राब रखा है, तो उसके लिए यार इग्नोर करना, पूरा पसीने से हो गया मेरे पर। तो दोस्तों देखो
पहले आपको ट्विटर बोले यूट्यूब बोलेगा ट्विटर पे कि आप हमें पूरी इन्फॉर्मेशन बताओ कि कैसे क्या हुआ हैक हुआ, ठीक है? तो आप ट्वीट पे उसको पहले बता देना कि सर मेरा यूट्यूब चैनल हैक हुआ है एंड उसको रिकवर करने में प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जैक्ट वो लाइंस दे दूंगा जो मैंने ट्विटर को लिखी थी, आप सेम वही लिख सकते हो। फिर उनका रिप्लाई आएगा कि कैसे हैक हुआ ये वो वगैरह, तो वो आपको पहले तो बकवास करेंगे, ठीक है? उनकी बकवास मत सुनना आप, वो बहुत बकवास करेंगे, ठीक है? कि यूट्यूब सपोर्ट का हेल्प ले लो, ये कर लो वो कर लो, आप कुछ मत सुनना। आप सिर्फ इतना बोलना कि सर My YouTube channel is hacked and I want to recover this channel। और उसके बाद वो जब आप ऐसा बोलते रहोगे ना उनको, तो वो कहेंगे ठीक है हम आपको खुद ही रिकवर करके देते हैं। और वो कुछ भी आपको लिंक देना, आप सीधा बोलना दिस इज नॉट वर्क, ठीक है? आपका वो लिंक वो वर्क नहीं कर रहा है, आप ऐसे उसको बोल देना ट्विटर पे, ठीक है? पर पहले ट्राई कर लेना, कहीं ऐसा ना हो आप ट्राई भी ना करो और डायरेक्ट जाके उसको ट्विटर पे ट्वीट कर दो कि ये लिंक काम नहीं कर रहा, ठीक है? तो आप पहले उनको जो जो बोले वो ट्राई कर लेना, ठीक है? उसके बाद अगर ना करें तो वापस जाके ट्वीट करो कि सर इससे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि ठीक है हम आपको DM करेंगे, ठीक है? वो आपको डायरेक्ट मैसेज करेंगे, और डायरेक्ट मैसेज मेरे को भी करा था उन्होंने, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको अपने मैसेजेस दिखा देता हूँ, ये रहे मेरे मैसेजेस, ठीक है? और गाइस आप मेरे दो चैनल हैक हुए थे, दो, एक जिस पर मैं व्लॉग करता हूँ और एक जिस पर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो। तो मेरी ये वाला चैनल वापस आ गया है बट व्लॉग वाला अभी भी नहीं आया है, तो व्लॉग वाले के लिए मैं अभी भी उनसे बातचीत चल रही है, अब देखते हैं कब तक व्लॉग वाला चैनल आता है मेरा। तो अभी देखो दोस्तों, मैंने उनका डायरेक्ट एक मेरे को मैसेज आया था कि ये वाला थैंक्स अगेन फॉर दी फॉलो, टू लुक इन टू दिस फर्दर वी आर गोइंग टू नीड एडिशनल इन्फो फ्रॉम यू। तो अब वो हमें बोलेंगे कि जो जो हम आपको इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं वो आपको देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले उन्होंने बोला मेरे को चैनल URL, तो जो आपका चैनल हैक हुआ है आपको उसका URL देना है। फिर ये पूछते हैं पॉसिबल डेट हैक, मतलब कि आपका चैनल हैक कब हुआ था, तो आपको डेट बतानी है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे वीडियो URL डिलीटेड और अपलोडेड बाय दी हैकर, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर आप वीडियो कोई डिलीट करिए हैकर ने तो उसका लिंक है आपको, तो वो देना है, या फिर कोई वीडियो अपलोड करिए हैकर ने उसका लिंक है तो वो देना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे लिखा है एनी अदर चेंजेस मेड बाय दी हैकर, मतलब कि और कोई चेंज तो नहीं करा हैकर ने, उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बतानी है चौथे नंबर पे। जैसे कि यहाँ पे मैंने उनको रिप्लाई करा, आप मेरा रिप्लाई भी देख सकते हो, दीज आर दी URLs ऑफ माई यूट्यूब चैनल डेट आर हैक्ड, यहाँ पे मैंने दो चैनल अपने दोनों चैनलों के URL दिए हैं। फिर सेकंड पे मैंने इनको डेट बताई 31 मार्च 2019, यहाँ पे मैंने गलत लिख दी, यहाँ पे 2019 लिख दिया मैंने, जबकि 2020 चल रहा था, बट उनको पता है कि गलत लिख दिया मैंने, ठीक है? तो क्योंकि आप नीचे यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हो 4/4/20, तो ऑब्वियसली बात है 2020 थी, पर मैंने यहाँ पे 2019 गलत लिख दिया। उसके बाद फिर मैंने इनको बोला थर्ड पे कि ही अपलोडेड सम वीडियोस बट नाउ दिस वीडियोस आर नॉट शोन। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि हैकर ने कुछ वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करी थी बट बाद में उसने डिलीट कर दी थी, तो वो मुझे नहीं दिख रही थी, तो मैंने उनको बताया ये चीज़। फिर चौथे नंबर पे मैंने बोला कि यस ही चेंजेस माय चैनल नेम, उसने मेरे चैनल का नाम चेंज कर दिया था, तो मैंने उनको बताया मेरे चैनल का नाम चेंज कर दिया। और उन्होंने फिर मैंने लिखा माई चैनल पिक्चर ऑल्सो चेंजेस अबाउट सेक्शन ऑफ माई चैनल, मैंने उनको बताया कि मेरे चैनल का भी चैनल की पिक भी उन्होंने चेंज कर दी है, तो मैंने उनको ये सारी चीज़ें बताई। उसके बाद उन्होंने मेरे को एक और मैसेज भेजा, अप्रिशिएट द डिटेल्स, वी विल पास दिस अलोंग एंड बैक टू यू वंस वी नो मोर। तो उन्होंने मेरे को ये मैसेज भेजा, उसके बाद इन्होंने मेरे को कोई रिप्लाई नहीं दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ओके थैंक्स लिखा, फिर मैंने कुछ एनी अपडेट प्लीज हेल्प द हैकर अपडेट देयर वीडियो, मतलब 2 महीने तक इन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने फिर प्लीज़ बोल, मैंने बहुत उनको देखा और मैंने मैसेज करे थे, फिर इन्होंने जब मेरे को रिप्लाई नहीं दिया, फिर मैंने इनके पेज पे जाके वापस ट्वीट करा कि सर आपने मेरे को DM करने के, मैं आपको वो ट्वीट दिखा देता हूँ जो मैंने वापस करा था, वो ट्वीट था ये वाला, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ अपनी प्रोफाइल में, आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो करके देख सकते हो, सारी बातें आपको दिख जाएगी मेरे ट्विटर हैंडल पे, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ये वाला वो ये वाला ट्वीट था वो, ये 6 जून को मैंने करा था, 2 months एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, और मैंने स्क्रीनशॉट दिया था इनका कि ये देखो आपसे मेरी DM में बात हुई थी पर 2 महीने हो गए आपने मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर उन्होंने मेरे को फिर से DM करा, मैसेज करा DM कि यहाँ पे मैं आपको वापस से दिखाता हूँ,
बार फिर से मैं, हाँ ये देखो यहाँ पे इन्होंने मेरे को सॉरी बोला, सॉरी इफ वी मिस्ड योर डीएम। तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि इनको काफ़ी मैसेज आते हैं, तो अगर ये आपका मैसेज ना देख पाए तो आपको वापस इनसे कॉन्टैक्ट में रहना पड़ता है रेगुलर, यानी कि आप छोड़ दोगे, ठीक है। आपको रेगुलर ट्वीट करने पड़ते हैं, आपको रेगुलर मैसेज भेजने पड़ते हैं इनको, ठीक है। तो और थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे को देखो देखो मेरे को 2 महीने में चैनल मिला है, मेरे को जल्दी नहीं मिल गया, 2 महीने का टाइम लगा है मेरे को मेरा चैनल मिलने में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इन्होंने देखो यहाँ पे लिखा, सॉरी इफ वी मिस्ड योर डीएम, वी जस्ट हियर बैक फ्रॉम द स्पेशलिस्ट टीम एंड बिलो आर द नेक्स्ट स्टेप्स। तो इन्होंने मेरे को अगले स्टेप्स बताए, जिसमें इन्होंने मेरे को बोला ट्राई वन मोर टाइम टू रिकवर योर अकाउंट विद दिस स्टेप। तो इन्होंने मेरे को एक URL दिया था, एक लिंक दिया था, जिसपे इन्होंने कहा था कि आप ये इसको एक बार ट्राई कर लो, अगर आपको रिकवर हो गया तो ठीक है, वरना हम आपको नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। तो मैंने ये ट्राई करा, इन्होंने मेरे को एक लिंक दिया था, मैं उस पर गया, मैंने यूज़र नेम वगैरह डाल के देखे कुछ भी, बट मेरा पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल के साथ साथ गूगल अकाउंट भी हैक हो गया था, तो मेरे को कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी नहीं, और मैंने 2-step वेरिफिकेशन नहीं लगा रखी थी, नहीं कुछ भी नहीं था। तो मैंने इनको सीधा बोल दिया, सर आई एम अनेबल टू गेट बैक माई अकाउंट विद दिस स्टेप। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने संडे को बोला था, यही वाला संडे 6:20 पे सुबह के, ठीक है। तो इन्होंने मेरे को फिर से एक मैसेज भेजा कि अप्रिशिएट द पेशेंट, प्लीज क्रिएट अ ब्रांड अकाउंट अंडर अ न्यू अकाउंट, ठीक है। इन्होंने मेरे को बोला कि एक ब्रांड अकाउंट क्रिएट करो, ठीक है, जो कि मतलब इन्होंने मेरे को सिंपली बोला एक अकाउंट क्रिएट करो यूट्यूब का, ठीक है, उसके बाद लॉग इन करके रखना उसको। उसके बाद इन्होंने मेरे को बोला गो टू चैनल स्विचर, इन्होंने मेरे को एक लिंक दिया था यूट्यूब चैनल स्विचर का, तो इन्होंने बोला मेरे को कि उस पर क्लिक कर देना, तो वो ऑटोमेटिकली एक ब्रांड न्यू अकाउंट क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो मैंने वैसे ही करा जो जो इन्होंने बताया मेरे को, देखो यहाँ पे इन्होंने मेरे को स्टेप्स बताए, मैंने वही करा, यहाँ पे मैंने इनको लिंक भेज दिया एक नया ब्रांड अकाउंट क्लिक क्रिएट करके, मैंने ये लिखा यहाँ पे देखो, दिस इज द लिंक ऑफ माई न्यू ब्रांड अकाउंट, ठीक है। फिर इन्होंने मेरे को बोला कि थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग अस यूर न्यू ब्रांड अकाउंट URL, वी विल पास, इन्होंने वही बोला कि हम अपनी टीम को भेज रहे और आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन बताएंगे। उनका ओके थैंक्स, फिर मैंने इनका फिर मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने इनको बोला एनी अपडेट, यहाँ पे देख रहे हो 2:32 की सुबह मैंने इनको बोला, तो इन्होंने बोला अब इनका फिर से एक मैसेज आया, अपडेट वी अगेन नीड यू टू क्रिएट अ न्यू ब्रांड अकाउंट। इन्होंने मेरे से फिर से ब्रांड अकाउंट मांगा नया अलग, तो फिर से मैंने इनको क्रिएट करके दिया न्यू ब्रांड अकाउंट, ये देख सकते हो आपको यहाँ पे मेरे एक और है, हियर इज द लिंक ऑफ न्यू ब्रांडेड अकाउंट। तो उसके बाद फिर इन्होंने मेरे को बोला थैंक्स फॉर सेंडिंग द न्यू ब्रांड अकाउंट, वी विल पास योर टीम ऑन, वही इन्होंने बोला मेरे को कि हम अपनी टीम को भेज रहे हैं वगैरह वगैरह। यार दोस्तों सॉरी यार, पसीना बहुत आ रहा है यार एसी खराब होने की वजह से। तो दोस्तों देखो यहाँ पे फिर से इन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है हमने अपनी टीम को भेजा, उसके बाद फिर मैंने इनको बोला ओके थैंक्स, फिर मेरे को इनको मैसेज नहीं आया 1-2 दिन, फिर मैंने इनको बोला एनी अपडेट, वेडनेसडे को आप देख सकते हो, वेडनेसडे को 8:33 8:33 AM सुबह के टाइम मैंने इनको बोला एनी अपडेट, फिर इनका आया अपडेट द चैनल हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द न्यू ब्रांड अकाउंट। और ये मेरी खुशी का पहला मतलब आपको बता नहीं सकता यार, ये मेरी खुशी का पहली चीज़ थी कि चलो इन्होंने मेरा चैनल मेरे को ट्रांसफ़र कर दिया, इन्होंने लिखा कि आपका चैनल ट्रांसफ़र कर दिया गया है, बट अकाउंट डेट यू प्रोवाइड द नेक्स्ट स्टेप इज टू रिवर्स द सस्पेंशन एज वेल एज अदर एक्शन डन ऑन योर अकाउंट, वी विल रीच आउट टू अ डिफरेंट टीम अबाउट दिस एंड मतलब मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ सीधा, इन्होंने बोला मेरे को कि सब कुछ हमने आपका अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया है, बट जो हैकर ने आपके अकाउंट आपके यूट्यूब पे चीज़ें बदलाव की हैं, जो जो चीज़ें बदली हैं, जो वीडियोस अपलोड करी हैं, हम उसको रिवर्स करेंगे, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा चैनल हैक हुआ, और हैक करने के बाद जो हैकर था उसने कोई शोज़ जो TV शोज़ होते हैं वो अपलोड कर दिए थे, जिसकी वजह से मेरा वो चैनल टर्मिनेट हो गया था कॉपीराइट स्ट्राइक्स की वजह से। तो इसलिए उन सारी चीज़ों को रिवर्स करा YouTube ने, एंड मेरे को मेरी वीडियोस भी वापस मिल गई सारी A to Z, मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया, और मोनेटाइज ये आपको वापस करना पड़ेगा क्योंकि आपका नया ब्रांड अकाउंट है, तो इसको AdSense से वापस लिंक करना पड़ता है, पर इसमें आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, 1-2 घंटे में ही आपको मोनेटाइज होकर मिल जाता है, ठीक है। तो वैसे आप करोगे ना ये स्टेप्स तो आपको खुद ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए ना तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे इंस्टाग्राम
जाओ फॉलो करो मेरे को और मेरे को वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करो, मैं आपको डायरेक्ट इसकी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा मुझे डायरेक्ट आप मुझसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा लास्ट मैसेज था इनको, कि इनका मेरे पास ये लास्ट मैसेज था कि चैनल का ट्रांसफर हो गया है वगैरह वगैरह, और रिवर्स आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। मैंने बोला थैंक यू, बट ये मेरा एक ही चैनल था। अब मेरी बात, मैंने इनको दो चैनल रिकवर करने को बोला था पर इन्होंने मेरा एक ही चैनल कराया। तो अभी व्लॉग वाले भी मेरी इनसे बात चल रही है पर ये रिप्लाई नहीं दे रहे, एज यूजुअल आपको पता है यूट्यूब जल्दी रिप्लाई नहीं देता। तो दोस्तों देखो, आपको ऐसे ही आपका चैनल भी वापस मिल सकता है ट्विटर के द्वारा, ट्विटर के थ्रू, ठीक है। आपको बस रखना है पेशेंस। देखो मेरे को भी 2 महीने बाद मिला है, ठीक है। और दोस्तों आपको रेगुलर ट्वीट करने पड़ेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आपको भूल जाओ, अगर आप ये रेगुलर ट्वीट का मतलब ये भी नहीं कि आप एक एक दिन में कर रहे हो, मतलब कि एक हफ्ता करो, ठीक है। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा तो 4-5 दिन बाद दोबारा ट्वीट करो, ठीक है। अगर वो आपको 4-5 दिन बाद नहीं दिख रहा तो एक हफ्ते और ले लो और फिर दोबारा ट्वीट करो, ठीक है। ऐसे करके, ठीक है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि हजारों लाखों यूट्यूब हैक हो रहे दोस्तों। और दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपका चैनल कैसे हैक ना हो, उसको कैसे बचा के रखें, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी। मेरा हैक हुआ, मुझे अकल आ गई, अब मैं आपको भी अकल देना चाहूँगा। और दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आए ना आपके चैनल को रिकवर करने में तो मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर लेना। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और दोस्तों ट्रस्ट करो आपका चैनल वापस आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कह रहा हूँ मेरा आया है तो आपका क्यों नहीं आएगा, आपका भी आएगा, बस थोड़ा पेशेंस रखो और अपने ऊपर बिलीव रखो, ठीक है। मैंने भी अपने ऊपर बिलीव रखा, आ गया, किसी की हेल्प नहीं ली ना किसी बड़े यूट्यूबर को। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब मेरा चैनल हैक हुआ था ना मैं डर गया था, मैंने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मैसेज करा था, मैं इंस्टाग्राम, चलो खैर क्या दिखाऊँ मैं, छोड़ो इंस्टाग्राम वगैरह क्या दिखाऊँ, मतलब छोड़ो यार, वो सारे यूट्यूबर देखेंगे फिर मेरे को क्या बोलूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मैसेज करा था, डीएम करे थे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करे थे, ईमेल्स भेजे थे, पर उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है। तो आप भी ऐसी गलती मत करना कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स के चक्कर में पड़ जाओ, उनको ईमेल्स वगैरह भेजो, एनरोल वगैरह, कुछ नहीं करने वाला कोई भी। आप करना है जिसे वो आप खुद हो, ट्विटर पे जाओ, जो जो मैंने बताया ऐसे ऐसे करो, ठीक है, आपका चैनल आपको जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और अगर अच्छी नहीं लगी ना तो डिसलाइक कर दो यार, मुझे भी पता चलना चाहिए कि कितने लोगों को अच्छी नहीं लगी। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं ना तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करो, उसके बाद बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।